हाय ऑल, सो आज जो मूवी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है अनदर जेम ऑफ ओल्ड एनिमे आर्ट। मूवी का एनवायरनमेंट सेटअप शुरू से ही डिस्टर्बिंग लगता है एंड आपको शॉर्ट चिल्स देने के लिए काफ़ी है। इस मूवी का नाम है काकुरेनबो हाइड एंड सीक एंड मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। मज़ेदार बात यह है कि मूवी एक शॉर्ट फिल्म है, जस्ट लाइक 20 मिनट्स की होगी, पर इसके एक्सप्लेनेशन में भी मुझे आई थिंक 10 मिनट से ज़्यादा का वक्त लग गया, जबकि मैं पूरे पूरे सीरीज़ को 10 मिनट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो इसके वीडियोस में बहुत सारे सबलिमिनल्स हैं और मूवी आपको एक हॉरर राइड पर ले जाने के लिए काफ़ी है। सो जस्ट स्टे विद मी इन दिस राइड एंड या विद दैट बीइंग सेड, अब बकवास करते हैं बंद, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी की शुरुआत होते ही हम एक बहुत क्रीपी सा माहौल फील कर पाते हैं और कैमरा शॉट एक टाउन का दिखाता है जिसमें बहुत लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं। इस शॉट के पीछे बैकग्राउंड में हम कुछ बच्चों को बात करते हुए सुन पा रहे थे। ये बच्चे किसी अबैंडन टाउन के बारे में बात कर रहे थे जहां अब कोई नहीं रहता और ये गोस्टली टाउन में जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता। इस बच्चों के ग्रुप की बातचीत के बीच में हमें एक लड़की की हंसी की आवाज़ सुनाई देती है और सब लोग अचानक ही चुप हो जाते हैं। फिर ये लड़की बोलती है कि बच्चे उस गोस्ट टाउन में जाकर ओटोकोयो नाम का एक गेम खेलते हैं। अब इससे बाकी बच्चों का इंटरेस्ट और बढ़ जाता है क्योंकि इस गोस्ट टाउन के बारे में सबको पता था और सब ने इसकी डरावनी कहानियां सुनी भी थी, लेकिन किसी को इस टाउन के बारे में डीप नॉलेज नहीं थी और यहाँ पे बच्चे जाकर क्या करते हैं, कैसे गुम होते हैं, किसी को पता ही नहीं था। तो ये बच्चे उस लड़की से और बात जानने के लिए इंसिस्ट करते हैं। तो अब ये लड़की इन सबको उस टाउन को डिपिक्ट करने लगती है और उनको बताती है कि कैसे इस टाउन के बारे में क्या क्या उसको पता है। नाउ बिफोर गोइंग डीप इन टू द मूवी, मैं आपको बता दूं कि जब आप गूगल करोगे नॉर्मली काकुरेनबो हाइड एंड सीक, तो सबसे पहले ये एक विकिपीडिया का एक्सप्लेनेशन आता है जो कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पढ़ सकते हो। इसमें लिखा है कि काकुरेनबो का थीम जो है वो एक टाउनशिप या शहरीकरण पर बेस्ड है और जब टाउन में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनने लगती है तो बच्चों के लिए खेलने की जगह नहीं बचती और अब ये टाउन इन बच्चों की खुशियों पर बने हुए होते हैं, जीते हैं, इसलिए ये काकुरेनबो हाइड एंड सीक बनाया गया है। लेकिन गाइस, पहली बात तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं जिन्होंने कि टोक्यो गूल जैसी अच्छी एनिमे प्रोजेक्ट पर भी काम किया हुआ है, उनका ये फर्स्ट डेब्यू प्रोजेक्ट था, तो उन्होंने कभी अपने शॉर्ट फिल्म के बारे में कभी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया और स्टोरी को टोटली व्यूअर्स की सोच पर और उनके समझ पर छोड़ दिया है। तो अब स्टोरी पर वापस आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुझे खुद भी विकिपीडिया के इस एक्सप्लेनेशन को इलॉजिकल लगता है और इट्स अ प्योर फॉर्म ऑफ हॉरर एनिमे। इसमें कोई थीम या रियल वर्ल्ड से रिलेटेड बेस मुझे नहीं लगता कि है। सो ये लड़की बताती है कि जब भी बच्चे इस टाउन में जाते हैं तो वहाँ जाकर ओटोकोयो नाम का एक गेम खेलते हैं जिसका लिटरल मीनिंग होता है हाइड एंड सीक। इसके लिए कुछ सिंपल रूल्स थे। सो रूल नंबर 1 ये था कि इन बच्चों को एक फॉक्स मास्क पहनकर खेलना था। एंड नाउ आई मस्ट टेल यू कि इस पूरी मूवी में हम एक बार भी इनमें से किसी एक बच्चे का चेहरा नहीं देख पाते हैं बिकॉज ऑफ दीज फॉक्स मास्क, पर हर मास्क में एक एक्सप्रेशन ज़रूर देख पाते हैं। नाउ रूल नंबर टू ये था कि गेम को खेलने के लिए 7 बच्चे चाहिए। अब एक बात और ध्यान से सुनना, बहुत सारे चाइनीज और जैपनीज ओल्ड टाउन में नियॉन लाइट्स का बहुत चलन रहा है, जो आज भी इन ओल्ड टाउन में नियॉन लाइट यूज़ होती हैं शॉप्स की होर्डिंग वगैरह के लिए। और ये नियॉन लाइट दिखती तो अच्छी हैं पर जल्दी ख़राब हो जाती हैं और ख़राब होने के बाद ये जो लाइट्स हैं ये फ्लिकर होने लगती हैं, आपने यहाँ दिल्ली NCR में भी देखा होगा। एंड इस कॉन्सेप्ट का मूवी में एक हॉरर वे में बहुत सही इस्तेमाल हुआ है। तो अब मूवी में ये जो अनोनिमस लड़की थी ये बताती है कि जैसे ही आप टाउन में एंटर करोगे ये जो नियॉन लाइट्स हैं ये आपको रास्ता दिखाएंगी और इस डार्क टाउन में इन बच्चों को नियॉन लाइट से ग्लो करते हुए ओ टो को और यो के साइन को ढूंढना है जिसका ऑब्वियसली मीनिंग है ओटोकोयो।
तो ये ढूंढते ही ये बच्चे एक गेट के पास पहुंच जाते हैं जिससे ओटोकोयो स्क्वायर बोलते हैं। तो अब यहाँ से आगे फिर शुरू होता है ओटोकोयो का गेम। ये लड़की इनको ये भी बताती है कि ओटोकोयो कोई फॉर नॉर्मल हाइड एंड सीक का गेम नहीं है, बल्कि ओटोकोयो इज़ वेरी डेंजरस। एंड सच में ओटोकोयो खेलने के बाद बच्चे इस टाउन से गायब हो जाते हैं। अब ये किसी तरीके का कंसेंट लगता है, लाइक मैंने आपको बताया था कि इसमें डेंजर है, बट आपने स्टिल इसको करना है तो करो, इट्स आपकी मर्जी है ये। तो ये कंसेंट के बाद भी बच्चे राजी हो जाते हैं और ये ओटोकोयो का गेम खेलना चाहते हैं। सो अब ये टाउन था क्रीपी और बच्चे चार ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ एक चीज़ जो मैंने नोट की वो ये कि ये जो हमारी अनोनिमस लड़की थी, इसके पास एक ब्लू बटरफ्लाई आकर घूमती है और ये बटरफ्लाई इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आई मस्ट टेल यू कि ब्लू बटरफ्लाई रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश सोल। ये किसी इंसान का नेचर या फिर लक में आए हुए किसी चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर आपका गुड लक चल रहा हो और सडनली आपका बैड लक आने लगे, या आपका बैड लक चल रहा हो और सडनली आपका गुड लक आने लगे, ये ब्लू बटरफ्लाई जैपनीज रिप्रेजेंट ये करती है। सो नाउ बैक टू द स्टोरी लाइन। तो पहला ग्रुप था तीन बच्चों का, जिनमें थे नोशीगा जो कि गैंग लीडर था, तचीजी और सुकू जो इस लीडर के दो चेले थे। इनमें जो नोशीगा था वो डीमंस पर बिलीव नहीं करता था और एक तरीके से यहाँ पे डीमंस को चैलेंज करने के लिए आया हुआ था। दूसरे ग्रुप में थे दो ट्विंस जिनका नाम था इनमू और यांकू। तीसरे ग्रुप में थे दो लड़के हिकोरा और याइमो। असल में हिकोरा यहाँ अपनी खोई हुई बहन को ढूंढने आया था और उसी के लिए ये गेम खेल रहा था। इसकी बहन भी एक दिन ये गेम खेलने आई थी और उसके बाद फिर कभी घर वापस नहीं गई। वहीं याइमो जो है वो बच्चों के गायब होने के राज को जानने में इंटरेस्टेड था, इसलिए यहाँ आया था। और आखिर में बची वो एनोनिमस लड़की जिसने इनको इस गेम के बारे में सब बताया था। अब अगर आप लोग थोड़ा और गौर करोगे तो गेम के रूल्स के हिसाब से होने चाहिए थे सात बच्चे, पर यहाँ काउंट करने पर निकलते हैं टोटल आठ बच्चे। अब ऐसा क्यों है वो तो तुम एंड में जानोगे। सो लेट्स गेट बैक इनटू द मूवी। तो अब वो जो बुली वाला ग्रुप था आगे बढ़ता है और एक अंडरग्राउंड टेंपल में घुस जाता है, जहां ऊपर इनको एक ठेला गाड़ी जैसी आवाज़ सुनाई देती है। इनको लगता है कि ये कोई हॉट डॉग कार्ट वाले की आवाज़ है। देन इनको एक बड़ी सी डेमन की मूर्ति नजर आती है जिसको ये ग्रुप का जो बॉस है वो मारता है और बोलता है ये इसको इसने किसने यहाँ पे रखा है, ये कोई डेमन है, ऐसा ऐसा बोल के वो निकल जाता है। लेकिन हम उसके पीछे देख पाते हैं कि ये जो डीमन की मूर्ति थी इसके पीछे से एक लाइफ फॉर्म में आने लगती है। तो अब शुरू होता है काकुरेनबो हाइड एंड सीक का असली गेम। ये डीमन एक एक करके दो बच्चों को अपने साथ ले जाता है, पर इस ग्रुप का जो बॉस किड था वो बच के भाग निकलता है और हम देख पाते हैं कि एक डीमन अब भी उसके पीछे पड़ा हुआ था। फिर सीन कट होता है और हम उन ट्विन ब्रदर्स को देख पाते हैं जो कि एक दूसरी जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे। तभी उन्हें वहाँ कुछ हलचल महसूस होती है और वहाँ पे भी दो डिमन्स आ जाते हैं और ये दोनों ट्विन्स दो अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं। इसके बाद कैमरा कट होता है और फोकस आता है याइमो और हिकोरा पर। हिकोरा बताता है कि जो शुरू में लड़की इन लोगों को एनोनिमस मिली थी वो बहुत हद तक उसकी बहन सोरिंचा जैसी दिख रही थी, पर क्योंकि यहाँ सब ने फॉक्स मास्क लगा रखे थे तो वो कंफर्म नहीं कह सकता है कि वो सुरिंचा है या नहीं। दूसरी बात, अगर वो सुरिंचा थी तो वो अपने भाई को तो ज़रूर पहचान पा दी, बट उसने ऐसा कोई रिप्रेजेंट नहीं किया जिससे कि ऐसा लगे कि वो अपने भाई को पहचान पा रही है। सो दिस इज़ अनदर थिंग, वो नहीं जानता है कि वो सुरिंचा थी या नहीं, लेकिन उसको शक है कि वो सुरिंचा हो सकती है। वहाँ रूम में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था और हल्की सी रोशनी में हिकोरा एक पोस्टर देखता है जिसमें कुछ इमेजेस बने हुए थे। ये इमेजेस थे उन डीमंस के और यहाँ पे पहली बार हम इन डीमंस का नाम और टाइप जान पाते हैं। तो यहाँ पे थे टोटल फाइव डीमंस। पहला डीमन था कीमोटोरी यानी लिवर टेकर, इसने ही ताचीजी और सुकू को पकड़ा था। दूसरा डीमन था चिटोरी यानी ब्लड टेकर, इसने नोशीगा को पकड़ा था। तीसरा डीमन था अबुराटोरी यानी
ऑयल टेकर। और ये जो डिमन थे ये एक्चुअली एक नहीं, ये एक ट्विन डिमन है, यानी आप उसको एक मान सकते हो लेकिन ये ट्विन डिमन्स हैं जो कि एक ऑयल कार्ट को लेके चलते हैं। आपको याद है स्टार्टिंग में वो जो बुली लड़का था उसको कार्ट की आवाज़ सुनाई दे रही थी और उसको लगा कि ये कोई हॉट डॉग कार्ट है, बट वो एक्चुअल में यही डिमन्स थे जो एक कार्ट को ले जा रहे थे ऑयल कार्ट को। हमारा फोर्थ डिमन है कटोरी यानी चाइल्ड टेकर, और ये एक 8 हाथों वाला स्पाइडर जैसा दिखने वाला डिमन है जिसने एंड में याइमो को पकड़ लिया। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ और लास्ट डिमन है वो है ओशीरा सामा व्हाइट लॉर्ड, इसके बारे में हम एंड में जानेंगे। तो ये दोनों बच्चे उस पोस्टर को पढ़ ही रहे थे कि तभी वहां रूम की लाइट्स जलने लगती है और फिर अचानक से लाइट फ्लिकर होने लगती है। वहां ये लड़की आ जाती है जो हमारी अनोनिमस लड़की थी, और रूम के बाहर देखने पर इन लोगों को एक बहुत बड़ा सा डिमन नजर आता है, तो ये लोग वहां से भाग जाते हैं। अब जरा हम इस हॉरर मूवी के माहौल की बात कर लेते हैं। सो यूजुअली हॉरर में अंधेरे का मतलब होता है डर, अंधेरे में हमें लगता है डर, लेकिन लाइट का मतलब होता है सेफ्टी। इस मूवी में माहौल बिल्कुल ऑपोजिट है, यहाँ माहौल ऐसा है कि अंधेरे में ही ज़्यादा सेफ फील होता है भाई। जहाँ लाइट आ जाती है वहाँ पहुँच जाते हैं ये डीमंस, एंड yeah, इट्स प्रीटी मेस्ड अप। सो अब हमारी स्टोरी में 5 बच्चे पकड़े जा चुके हैं डिमंस के द्वारा, और अब बचे हैं सिर्फ 3, याइमो, सोरिंचा जैसे दिखने वाली वो अनोनिमस लड़की और हिकोरा। ये 3 उस जगह से भागने की कोशिश कर रहे थे जहाँ पे इनको डिमन दिखा था। भागते भागते ये लोग उल्टा उस गोस्ट टाउन के सेंटर में पहुंच जाते हैं जहाँ ये एक बड़ा सा टावर देख पाते हैं। अब इनको हर जगह से डिमन्स जो हैं वो घेर लेते हैं, तो जो हमारा हीरो है याइमो वो खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाता है और हिकोरा को भाग कर अपनी बहन को ढूंढने के लिए बोलता है कि तभी उस बड़े से टावर में से कटोरी डिमन, जो लास्ट वाला डिमन था ना 8 हाथों वाला, वो डिमन निकल के आता है और याइमो को कैप्चर कर लेता है। इसके बाद हम उस अनोनिमस लड़की को इस मकड़े जैसे कटोरी डीमन के आगे खड़े होकर अजीब तरीके से हंसते हुए देख पाते हैं, और ये सब देखकर हिकोरा बेहोश हो जाता है। और अब जब हिकोरा को होश आता है तो वो अपनी बहन की आवाज सुन पा रहा था, वो आवाज जिसमें उसकी बहन बचपन में हाइड एंड सीक खेला करती थी। डूड, दिस वॉज क्रीपी फॉर नाइट। अब ध्यान से सुनना क्योंकि यहाँ होते हैं मूवी के असली खुलासे। तो हिकोरा आवाज का पीछा करता है और उसको वहां अनजान लड़की मिलती है जो अगेन उस ब्लू बटरफ्लाई के साथ थी और ब्लू बटरफ्लाई के साथ खेल रही थी। इसके बाद वो लड़की मुड़ती है और फाइनली एक डीमन में कन्वर्ट हो जाती है। डैम डूड, इनके साथ में जो अनोनिमस लड़की थी वो हमेशा से डीमन ही थी, सो सीख ले लो, अनोनिमस लड़कियों के साथ मत घूमा करो। इसके बाद ये लड़की रिवील करती है कि ये डीमंस इस टाउन में लाइट को जलाने के लिए इन बच्चों का यूज़ कर रहे थे। इस टावर पर जैसे ही लाइट फोकस होती है हम सारे के सारे किडनैप हुए बच्चों को टावर पर एक खास तरह की मशीन पर खड़े देख पाते हैं। ये मशीन इन बच्चों से पावर लेकर इस टाउन को एनलाइटन कर रही थी, लाइट अप कर रही थी। ये डीमन बताती है कि इससे लाइट आती है, सो टाउन में लाइट हमेशा आती रहे इसके लिए ज़रूरी है कि ये काकू रेनबो, हाइड एंड सीक या फिर ओटोकोयो का गेम हमेशा हमेशा के लिए खेलते रहना पड़े, या फिर इस डीमन की वॉइस में बोलूँ तो दिस मस्ट गो ऑन फॉर एवर एंड एवर। इसके बाद हम देख पाते हैं कि ये जो डीमन है ये सोरिंचा की बॉडी को छोड़कर हिकोरा की बॉडी में को पोजेस कर लेता है। क्यों? क्योंकि हिकोरा जो था वो गेम ऑफ ओटोकोयो जीत गया था। दिस सिंपली मीन्स कि हिकोरा की बहन यानी सोरिंचा भी पिछली बार ये गेम जीती थी और लास्ट में डीमन बन गई थी, और अब उसका भाई भी एक डीमन बन जाता है। तो इसी के साथ ही मूवी होती है यहीं पे ख़त्म। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, एंड अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाना, एंड फॉर मोर सच वीडियोस डोंट एवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस दैट बेल आइकन। सो यह बाय।